वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं अनीता शारदा आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि करवा चौथ नज़दीक आ रहा है तो सभी कुछ ना कुछ अपने करवा चौथ के लिए स्पेशल करते हैं, क्योंकि करवा चौथ के दिन भूख प्यास इतनी ज़्यादा लगती है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कौन टाइम वेस्ट करे रेडी होने में, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए, आधा आधा घंटा एक एक घंटा लगाए अपने ऊपर। तो कम टाइम में आप बहुत अच्छा मेकअप करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर आपको वीडियो ये लंबी लग रही है तो अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बोल तो रही है कि 5-10 मिनट में रेडी ही हो सकते हो पर वीडियो तो इतनी लंबी है, तो वीडियो इसलिए लंबी है क्योंकि मैंने वीडियो में आपको समझाया है कि कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। तो आप ये अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप 5-10 मिनट में अपना मेकअप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन केयर कर ली है, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, तो अभी हम मेकअप करेंगे स्टेप बाई स्टेप। सिर्फ यहाँ पर मैं अभी अप्लाई करूँगी प्राइमर, क्योंकि प्राइमर मैं अभी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्किन को पहले से ही प्रेप कर लिया है। प्राइमर जो है हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है तो इसलिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। तो टी जोन के अराउंड जो होते हैं हमारे जो पोर्स हैं वो काफ़ी ओपन होते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर अच्छे से अप्लाई कर लिया है तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो डन, ये हो गया हमारा प्राइमर। अब फटाफट से हम लगा लेते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन कौन सा लेना है कि जो हमारी स्किन को अच्छे से कवर अप कर दे और हैवी फाउंडेशन भी ना लगे, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो मैं फाउंडेशन ले रही हूँ वो ले रही हूँ सनीशा का वाटर ब्यूटी एंड दी एयर सीसी क्रीम। तो ये जो फाउंडेशन है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है तो ये हमारी स्किन पर बहुत अलग सा ग्लो लेके आता है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़, इसको लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने अपने स्किन को बहुत ही शाइनी दिखाना है, जो पे जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं या हम शाम के इवनिंग के टाइम पे जो अटेंड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ग्लोई सा शाइनी सा इफेक्ट हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिक्विड इल्यूमिनेटर, तो लिक्विड इल्यूमिनेटर ले रही हूँ किस ब्यूटी का, हाइलाइटर भी है ये एज इट इज़। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे ले के जस्ट थोड़ा सा उसमें हल्का सा प्राइमर लेके फिर से इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। तो इससे क्या होता है, एक आप देख सकते हैं कितना मिक्स हो गया जो हमने हाइलाइटर इसमें ऐड किया था, तो वो प्राइमर के साथ मिक्स होके हमारे फेस के ऊपर एक शाइनी सा इफेक्ट देता है जिससे हमारा फेस जो है बहुत ही ग्लो करता है। और जब हमारे फेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो एक अलग सी शाइन नज़र आती है हमारे फेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से हाइलाइटर में ऐड करके प्राइमर मैंने यहाँ पे लगा लिया है। आप चाहे तो इसे फाउंडेशन में भी ऐड करके लगा सकते हैं, मैंने इसमें फाउंडेशन में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो मेरे पास ये फाउंडेशन है ये है सनीशा फाउंडेशन, पहले से ही ये क्रीमी फाउंडेशन है तो इसको हाथ पे लेके करने से थोड़ा मैसी हो जाता, इसलिए अभी मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको वेट कर लेना है अच्छे से आपने, फिर इसके अंदर डिप करना है। ऐसे आप देख सकते हैं डॉट से बन जाते हैं, फिर आपने फेस के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर लेना है। जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं। ये जो सनीशा फाउंडेशन है ये फेयर स्किन वालों के लिए आता है क्योंकि इसमें एक टाइप की ही टोन मिलती है, तो ये फेयर स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे डॉट डॉट करके, क्योंकि ये बहुत अच्छी कवरेज देता है। थोड़ा मैं और अप्लाई करूँगी क्योंकि नाइट के टाइम पे जो मेकअप है बहुत अच्छा लगता है, तो इस पर मैं थोड़ा और अप्लाई करना पसंद करूँगी। दिन के टाइम पे आप लाइट लाइट सा भी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी जो स्किन है वो कितनी साफ़ और ग्लोई सी नज़र आ रही होगी आपको। तो इसको हम अच्छे से अभी कर लेंगे ब्लेंड। तो इन चूड़ियों की वजह से आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बैंगल्स पहले ही डाल ली। सो या तो
मैं यहाँ पे फाउंडेशन अपने नेक के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। तो ये वाला जो फाउंडेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही क्रीमी है और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी सा लगा रखा है, केकी सा नहीं लगेगा, और जो आपके जो दाग धब्बे हैं उनको बहुत अच्छे से हाइड करता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। तो आपने अपने कानों के ऊपर भी अप्लाई कर लेना है। तो सेम एज इट इज़ मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी। तो यू कैन सी द डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। सो डन, ये हो गया मेरा फाउंडेशन, सुनीशा फाउंडेशन। मुझे बहुत पसंद है ये फाउंडेशन, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जिनकी मीडियम टू डार्क स्किन है वो इस फाउंडेशन को अप्लाई ना करें, उनके लिए फॉरएवर की शेड्स आती हैं, तो उनमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो फाउंडेशन है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं इतना ग्लोइंग मेकअप है। आप सिर्फ 5 और 10 मिनट में इजीली कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम अपनी आईज़ को डिफाइन करेंगे। आईज़ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर जो है वो मैं ले रही हूँ अगेन हाइलाइटर। ये जो हाइलाइटर है एक स्टिक की फॉर्म में आता है, तो ये ग्लैम 21 का हाइलाइटर है। इसकी हेल्प से मैं आईज़ को एज ए आई शेडो लगाऊंगी। तो इससे क्या है, जो आईज़ है वो पॉप सी नज़र आएंगी और बहुत अच्छी लगेंगी। तो आपको ज़्यादा हैवी कलर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं आपकी आई शेडोज़ के ऊपर। सो यहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से, क्योंकि ये क्रीमी है तो फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ग्लिटर लगाने से जो हमारी आईज़ है वो कितनी ही अच्छी और शाइनी नज़र आती है। तो आप डिफरेंस दोनों आईज़ का देख सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरी आईज़ पे भी मैं सेम लगा लेती हूँ यहाँ पे। सकते हैं यहाँ पे मैंने ना कंसीलर ना और कुछ करेक्टर वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है, मैंने सीधा ही हाइलाइटर की हेल्प से अपनी आईज़ के ऊपर आई शेडो बना ली है। तो ये आई शेडो किन लोगों के लिए है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो कलर्स कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो हल्का हल्का आप इनर कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं, इससे क्या होता है एक शाइनी सा इफ़ेक्ट आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हो गई मेरी आईज़। तो इसको मैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी, तो मेरे को थोड़ा ग्लिटरी सा इफेक्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी आईज़ पर हो गया है आई शेडो अप्लाई। तो अभी मैं आपको बताऊँगी मैं कौन सा काजल स्टिक या फिर लाइनर यूज़ करूँगी यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने आई शेडो ऐसे आई शेडो अप्लाई किया है वो ज़्यादा हार्श ज़्यादा कलरफुल नहीं अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ग्रीन पेंसिल काजल। बहुत से कलर्स मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, तो ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड, बहुत से काजल पेंसिल्स आ चुके हैं, बट ग्रीन का जो ट्रेंड है वो फॉरएवर है और ब्लू का जो ट्रेंड है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिल्वर सी शेड का आई शेडो अप्लाई कर लिया है, तो उसके ऊपर से मैं ग्रीन काजल अप्लाई करूंगी एज ए लाइनर। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ, इसको थोड़ा मैं बोल्ड सा अप्लाई करूंगी, क्योंकि इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर आईलाइनर, इसको लॉक करने के लिए, ताकि जो हमारी आईज की फिनिश है वो बहुत अच्छे से निकल के आए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ग्रीन काजल जो है अप्लाई हो चुका है। सेम मैं दूसरी तरफ भी कर लेती हूँ। तो से ही आप जो भी काजल पेंसिल और लाइनर है वो अप्लाई कीजिएगा। जो बिगनर्स हैं जिनको अच्छे से लगाना आता है वो अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और लगा लेती हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है काजल पेंसिल के थ्रू आईलाइनर, ग्रीन आईलाइनर लग चुका है। तो इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी लाइनर, ब्लैक लाइनर, वो बहुत ही बारीक लगाना है यहाँ पे आपने। तो इसके लिए आपको बारीक ब्रश वाला जो है वो लाइनर चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सो आउटर से स्टार्ट करके कहे तो फिर इनर कॉर्नर से, आपने एक विंग क्रिएट करना है तो आप इसको एज ए विंग भी बना सकते हैं। मैंने एंड पे जाके इसको थोड़ा और बोल्ड कर लिया, तो सेम मैं दूसरी तरफ भी कर लेती हूँ। तो एंड पे जाके मैंने दोनों को बोल्ड कर लिया है, तो इससे क्योंकि करवा चौथ है तो उसके लिए स्पेशल दिखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अलग नहीं दिखोगे तो क्या फ़ायदा। तो ये हो गया मेरा लाइनर। तो अभी इसके नीचे जो है वो मैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, इसमें ग्रीन कलर भी है, पिंक भी है, रेड भी है, तो यहाँ पर मैं पिंक
लोअर लैश के ऊपर उसके नीचे मैं पिंक लाइनर से, पिंक काजल से अपनी लैशेस को फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिंक काजल, तो इसको थोड़ा पॉपी सा बनाने के लिए यहाँ पे मैं पिंक अप्लाई कर लूँगी। आउटर से स्टार्ट करते हुए आपने याद रखना है कि आपने वाटर लाइन पे नहीं अप्लाई करना है, इसको लोअर लैश पे ही अप्लाई करना है ताकि जो आईज है आपकी बहुत अच्छे से नज़र आए, पॉपी सी नज़र आए, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। तो सेम मैं दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लिया है। सो, अभी इसको फिल करने के लिए मैंने जो ऊपर ग्रीन काजल अप्लाई किया था वो सेम मैं वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। तो इससे क्या होता है, जो आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग है जो आपका लाइनर भी हो जाता है। तो ये जो मैंने पॉप कलर्स हैं आईलाइनर और अपने आईज़ के ऊपर क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि जो मैंने आई शेडो अप्लाई किया था वो सिंपल हाईलाइटर ही अप्लाई किया था ताकि जो मेरी आईज़ है बहुत ज़्यादा कलरफुल सी, अतरंगी सी ना नज़र आए। तो क्योंकि मुझे ये कलरफुल काजल यूज़ करने थे तो इसलिए मैंने सिंपल यूज़ किए आई शेडो। आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑरेंज भी ले सकते हैं अगर आपने अप्लाई करना है। तो करवा चौथ है, थोड़ा अलग सा तो करना ही चाहिए ताकि आप थोड़े अच्छे लगो, रूटीन को छोड़ के थोड़े अच्छे दिखो। ये मैंने ग्रीन काजल भी अप्लाई कर लिया है। तो अभी मैं जल्दी से अपनी आईब्रोज को बना लेती हूँ यहाँ पे। इसकी हेल्प से मैं जो अपनी आईब्रो को कॉम कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर इसको फिल कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मेरी आईब्रोज हो गई हैं डन, तो इसको अभी जल्दी से कर लेते हैं फिल। तो मैंने जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि आपको फिल करने के लिए डार्क कलर यूज़ नहीं करना है, आपने ब्राउन कलर ही लेना है अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ। तो जैसे जैसे आपकी आईब्रो है आपने वैसे वैसे पेंसिल घुमानी है। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आईब्रोज। ये मैंने फिल कर ली है, ये अनफिल्ड है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये कितनी हल्की सी खाली खाली सी लग रही है। तो इसको भी अभी फिल कर लेते हैं। पहले आपने ऐसे ऊपर की तरफ करना है, फिर इस ब्रश की हेल्प से या आपने इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेनी है। तो उसको आपने फिर डायरेक्शन वाइज ही फिल करना है। या जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आईब्रोज भी हो चुकी हैं डन। अभी मैं बताती हूँ कि जो मैंने अपनी आई शेडो थी वो सिंगल एज ए हाईलाइटर ही इतना लाइट क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि जब हम लिपस्टिक थोड़ी डार्क अप्लाई करते हैं तो अपनी आईज़ को थोड़ा कम इफेक्ट देते हैं। अगर हमने आईज़ को ज़्यादा इफेक्ट दिया है तो जो आपकी लिपस्टिक है वो आपने कम मतलब लाइट शेड की लगानी होती है। तो मुझे डार्क लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो यहाँ पे जैसे कि मेरे ड्रेस में ऑरेंज कलर वो जो खिल के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर की लिपस्टिक ही अप्लाई करूँगी। यहाँ पे जो मैं ऑरेंज कलर की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी उसको लगाने से पहले मैं अपने लिप्स को शेप दे लूँगी। फिर ये हम लिप लाइनर यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते करते हम ऊपर तक लेके आएंगे। अगर आपको अपने लिप्स जो है पाउटी चाहिए, थोड़े पाउट वाली शेप में फुलर चाहिए, तो आपने जो लिप लाइनर है थोड़ा जो आपकी स्पेस है उससे थोड़ा हटके लगा अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऊपर से अप्लाई करना है आपने अपनी लिप लाइन के ऊपर से, ज़्यादा दूर से नहीं, हल्का सा ऊपर से, ताकि जो आपके लिप्स हैं वो थोड़े अच्छे नज़र आए। लोअर लिप पे भी आप सेम एज इट इज़ कर लेंगे और बीच में से ऐसे कर देंगे तो इससे भी बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे लाइन लगा देंगे ऐसे। तो अभी हम लिपस्टिक को कर लेते हैं फिल। आप जो भी ब्रांड यूज़ करते हैं बस आपको लगाना आना चाहिए, कितने अमाउंट में लगाना है, दैट्स इट। तो अभी जल्दी से फिल कर लेती हूँ मैं। या दिस इज इट, आप देख सकते हैं लिपस्टिक मेरी हो चुकी है डन। लिप लाइनर की हेल्प से जो शेप निकल के आती है हमारे लिप्स की बहुत अच्छी लगती है। कई बार क्या होता है जो हमारे लिप्स की शेप है वो इतनी अच्छी नहीं नज़र आती है, बट लिप लाइनर की हेल्प से वो एक
जो है एक शेप मिल जाती है अच्छी लिप्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी लिपस्टिक भी हो चुकी है डन। सो अभी हम अप्लाई कर लेते हैं ब्लशर, हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग। मैं यहाँ पे पाउडर कॉन्टोरिंग करूँगी फेस को अंदर की तरफ करके। बस यहाँ तक, अब नोज की कर लेते हैं साथ ही। तो नोज की भी हमने यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर ली है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसको हम ब्लेंड करके सही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लूंगी हेड की, फोरहेड की, सो जो लाइन की यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है, ये भी होगी है डन। सो इसको अभी हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड मैं कर रही हूँ दूसरे ब्रश की हेल्प से। तो इसको हमें ब्लेंड करना है सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। इससे क्या होता है, जो आपके फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे और शार्प नज़र आते हैं। तो सेम मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी, तो नोज़ की। सो नोज़ की भी हो चुकी है यहाँ पे कॉन्टोरिंग। जहाँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग गया था उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो अपनी जो लाइन की, आप इसको चाहे तो नीचे की तरफ भी ब्लेंड कर सकते हैं जो लाइन की जो कॉन्टोरिंग है। तो फोरहेड की कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉन्टोरिंग। अभी हम यूज करेंगे ब्लशर और हाइलाइटर। तो यहाँ पे जो मैं ब्लश ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ पिंक, क्योंकि मेरी साड़ी में पिंक कलर भी है। तो सेम ब्रश की हेल्प से मैं ब्लशर भी अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिंक। काफ़ी पिगमेंटेड है ये। तो यहाँ तक आपने ऊपर तक लेके जाना है। तो इसको मैं दूसरे ब्रश की हेल्प से थोड़ा कम कर लूंगी, क्योंकि ज्यादा हो गया ये यहाँ पे। तो ये देखिए ब्लशर भी हो चुका है डन। तो अभी हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। तो ये ब्लशर की, ब्लशर आपने लगाया है वो आप हल्का सा अपने नोज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है आपकी नोज टिप पे, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ हाइलाइटर। तो इन पार्ट्स के ऊपर, ब्लशर के सीधा ऊपर आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, इस जोन पे, आईज पे, और दिस वन फोरहेड, क्यूबिट पे, एंड दिस पोर्शन। अभी इसको मैं इसी के ब्रश की हेल्प से यहाँ पे कर लूँगी ब्लेंड। तो ये हो गया मेरा मेकअप डन। ये ब्लशर भी हमारा हो चुका है। तो अभी मैं आपको अपनी फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। तो अभी कहीं मत जाइएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेकअप किसके बिना करवा चौथ का अधूरा है, वो ज़रूर देख के जाइएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वेट कीजिए। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं, बिना चुन्नी के, रेड चुन्नी के और बिना सिंदूर के। ये करवा चौथ का जो फास्ट है वो अधूरा है, इसके बिना लेडी का जो महत्व है वो बिल्कुल जीरो है। तो सुहागन की निशानी सिंदूर से मानी जाती है। तो करवा चौथ के दिन आप सिंदूर से ज़रूर अपनी मांग है वो भरिए। तो लिक्विड जो आजकल सिंदूर चल रहे हैं वो उस दिन अवॉइड कर दीजिए। तो मांग सिंदूर से भरिए तो बहुत अच्छी लगती है। तो नथ अगर आपके पास हो, तो होती ही है सभी के पास, तो आप उस दिन आप पहन सकते हैं, नथ भी पहन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है पहनी हुई। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने लाइट ज्वेलरी पहनी है, जैसे मैंने ये छोटे छोटे से टॉपर्स पहने हैं, एक चेन पहनी है, दैट्स इट, तो आप एक भारी नथ भी पहन सकते हैं। सो अगर आपने टीका लगा रखा है, मांग टीका लगा रखा है, तो आप हल्की फुल्की नथ पहन सकते हैं, तो ताकि वो थोड़ा हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी ना दिखाई दे। सो इसलिए तो ये मेरा लुक जो है, आपको कैसा लगा मेकअप जो करवा चौथ का है वो कैसा लगा? तो अपने फेस के ऊपर स्माइल रखिएगा इस दिन, तो आपकी जो खूबसूरती है उसमें और चार चांद लग जाएंगे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।